तो अगर आपने वो वीडियोस भी देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्ले का तो आप वहां से उस पूरी प्ले को देख सकते हो तो चलिए अभी बात करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में सो टीचिंग एंड लर्निंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस किन किन एस्पेक्ट्स में है उनके बारे में हम बात करेंगे सो फर्स्ट पॉइंट इज गेनिंग एंड शेयरिंग नॉलेज सो नॉलेज गेन करने का भी प्रोसेस और शेयर करने का भी प्रोसेस है जो टीचर है वो अपना नॉलेज शेयर करेगा स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स उस नॉलेज को गेन करेंगे तो ये उसका प्रोसेस है है एंड सेकंड पॉइंट वैल्यूइंग द लर्निंग्स ऑफ अदर्स हमें दूसरों की लर्निंग की भी वैल्यू करनी है जैसे बच्चे अगर हमें कुछ बता रहे हैं उनका कुछ न्यू व्यू पॉइंट है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है हमें उसकी वैल्यू करनी है ये नहीं कि सिर्फ टीचर को अपना ही सुनाना है सो थर्ड पॉइंट है अब

रादर than solely शेयरिंग ऑफ आइडियाज यानी कि इफेक्टिव लर्निंग वो है जहाँ पर सिर्फ हम अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको शेयर नहीं करते हैं बल्कि हम न्यू आइडियाज हैं उनको कंस्ट्रक्ट भी करते हैं चाहे वो स्टूडेंट्स उन आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करें या फिर टीचर्स करें बस ये नहीं कि सिर्फ हमें अपने आइडियाज शेयर ही करने हैं बच्चों पर अपनी लर्निंग्स को थोप ही देना है सो so, वो होती है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एंड फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट वेयर टीचर्स एक्टिवली कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी क्योंकि जो टीचर है वो एक्टिवली इंटरेक्ट करेगा चाहे दूसरे टीचर्स के साथ करेगा अपने कलीग्स के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ करेगा तो वो होगी कम्युनिटी एंगेजमेंट और उसे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो और भी इंटरेक्टिव होगा सो so ये थे कुछ पॉइंट्स कि टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव कैसे कैसे होता है अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंटरेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स होते हैं जिनका टीचर यूज करता है अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए सो फर्स्ट पॉइंट है सो so, क्या होती है? होती है है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जब हम बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं और बच्चे वहां पर अपने आइडियाज न्यू न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सो so, वो होती है ब्रेन स्टॉमिंग एंड सेकेंड पॉइंट है थिंक पेयर एंड शेयर जो थिंक पेयर एंड शेयर है इसको टीपीएस भी बोलेंगे हम शॉर्ट में ये कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है जहां पर सभी बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं पहले तो थिंक मतलब कि सभी बच्चे इंडिविजुअली थिंक करेंगे जो भी हमें टॉपिक देंगे उन बच्चों को उस पर देन पेयर देन दूसरों बच्चों के साथ उन जो आइडियाज हैं उनको पेयर करेंगे फिर उन आइडियाज को शेयर करेंगे एक साथ तो वो होता है थिंक पेयर एंड शेयर थर्ड पॉइंट है वज सेशन वह सेशन होता है कि जो शॉर्ट डिस्कशन होती है ना जब भी हम कोई भी पॉइंट देते हैं बच्चों को कि बच्चों आपको इस पर शॉर्ट डिस्कशन करनी है तो ये ग्रुप्स में होता है सो so इसको कहा जाता है बज सेशन एंड फोर्थ पॉइंट इज इंसिडेंट प्रोसेस नाम से लग रहा है कि इंसिडेंट मतलब जो इंसिडेंटली हो रहा है जो अनप्लैंड एक्टिविटी है वो होगी इंसिडेंट प्रोसेस जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में कोई पॉइंट आ गया तो उसके बारे में हमने बच्चों को बता दिया सो वो हो गया इंसिडेंट प्रोसेस देन लास्ट वन इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा वो भी इंटरेक्टिव टीचिंग स्टाइल होगा सो so फर्स्ट है उसमें रैंडमाइज कि हम रैंडमली बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया हमने बताया नहीं है बच्चों को कि आज आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हमने रैंडम बच्चों से किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया दूसरा कीप इट ओपन एंडेड हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो ओपन एंडेड है मतलब उस पर हम लंबी खासी डिस्कशन कर सकते हैं कि वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं होगा यानी कि उसका जो आंसर है वो एक या दो लाइंस में नहीं होगा वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा कि वो डिस्कशन चलती ही रह सकते हैं जितना हम उस पर डिस्कस करें सो so फ्रेंड्स ये हो गए इंटरेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स जो टीचर यूज करते हैं अपने क्लासरूम में इसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जो

So, अभी हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो टीचर को बता देते हैं कि बच्चों की लर्निंग की हो जाएगी, हो जाएगी, उन के लेकर जो उनको होमवर्क या फिर असाइनमेंट्स वगैरह दिए गए होंगे तो उन एक्टिविटीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सो फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग सो जो डिसीजन मेकिंग है डिसीजन कैसे बनाते हैं हम जब भी हम बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम देते हैं बच्चे उनके बारे में सोचते हैं फिर एंड में अपना एक डिसीजन देते हैं तो उसके क्या मैरिट्स उसकी क्या वैल्यूज होती हैं सो फर्स्ट इज इट प्रमोट्स इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज एंड क्रिएटिव थिंकिंग इससे बच्चे आइडियाज़ को बहुत सारे जो अलग अलग आइडियाज आएंगे उनको इंटीग्रेट करेंगे इकट्ठे करेंगे और उन पर क्रिएटिव थिंकिंग लगाएंगे सो so, ये होगी उसकी वैल्यू सेकेंड इज़ इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इससे टीचर को तभी के तभी फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चे ने किस तरह से अंडरस्टैंड किया उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो कितनी है सो so ये हो गए इसके मेरिट्स सेकेंड वन इज आइटम क्लैरिफिकेशन कि आइटम्स जो भी हम पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को क्लैरिफाई करना है उसकी क्या वैल्यूज होंगी इससे इमीडिएट फीडबैक मिलेगा जैसे हमने डिसीजन मेकिंग में बात की थी इमीडिएट फीडबैक मतलब तभी के तभी फीडबैक मिलेगा साथ में इट हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज आइटम्स फॉर रिव्यू और डिस्कशन इससे यह भी होगा कि हम आइटम्स को जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको प्रायोरिटी दें और उनको रिव्यू करें डिस्कशन के लिए देन थर्ड पॉइंट देखते हैं थर्ड वन इज ग्रुप ग्राफिक ग्रुप ग्राफिक से क्या होगा

अलग अलग आइडियाज आएंगे बच्चों को उससे बच्चों की इंटीग्रेशन की क्षमता बढ़ेगी बच्चे उन सभी आइडियाज को एक साथ इंटीग्रेट करके बता पाएंगे अब एंड में हम कंक्लूड करेंगे जो भी हमने इस टॉपिक में पढ़ा सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट लर्निंग कैन बी व्यूड एज इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन सेपरेट टाइप्स ऑफ कंटेक्ट एंड फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग एज मच सिग्निफिकेंट लर्निंग एज पॉसिबल तो so, यहां से ये कंक्लूड होता है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है अगर उसको सिग्निफिकेंट वे में लिया जाए अगर टीचर उसकी सिग्निफिकेंट लर्निंग करवाए बच्चों को अलग अलग तरह के इंटरेक्टिव टीचिंग स्टाइल्स का यूज करें अपने क्लासरूम में तभी वो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस होगा और इंटरेक्टिव कैसे होगा कि टीचर भी अपने आइडियाज शेयर करें बच्चे भी उन आइडियाज को गेन करें तो वैसे होता है टीचिंग एंड लर्निंग एज इंट्रैक्टिव प्रोसेस सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो तब तक चैनल पर बनी रहेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब बाब बाय टेक केयर